यार आज ना मैं भी खाने वाला हूँ वड़ा पाव। भाई कुछ दिन पहले तो दिल्ली वालों ने मोमो से ब्रेक लेके वड़ा पाव खाने शुरू कर दिए थे, एंड आई डोंट थिंक दिल्ली में वैसा कोई बचा होगा जिसने वड़ा पाव ट्राई ना किया हो। तो सीन ये है, अगर आप सोच रहे हो कि तुषार भाई कोलैब होने वाले हैं क्या आज वड़ा पाव वाली दीदी से, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ड्रामे करा रहे हो यार मुझसे। खैर तो चलो रियल सीन बताता हूँ। आज ना मैं पूरा दिन खाने वाला हूँ एक तो वड़ा पाव, बट नॉर्मल वड़ा पाव नहीं खाएंगे भाई, मैं खाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट वड़ा पाव जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये है भाई सोया वड़ा पाव, एंड दिस इज कॉर्न पालक वड़ा पाव। एक चीज और है, द मसाला नाइस भाई, साथ में चिली भी आई है। मैंने आज तक वड़ा पाव के साथ ये चिली कभी ट्राई नहीं की, ट्राई करके देखूं। बाप रे, पहले भाई ये सोया वाला वड़ा पाव ट्राई करते हैं। मतलब आपने कभी सुना है सोया वड़ा पाव? देख लो भाई यही सीन था, आज डिफरेंट डिफरेंट वड़ा पाव खाने हमें। ओके लेट मी डिग राइट इनटू इट। बाय द वे यार इसके साथ इन्होंने मुझे ग्रीन चटनी या फिर रेड चटनी तो दी नहीं, बट ठीक है भाई। भाई सच बताऊं ना ये बर्गर लग रहा है ना ये वड़ा पाव लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है, पर जो भी है बड़ा मस्त है। लेट मी पुट सम मोर मसाला ऑन इट। नाइस भाई यार ये मसाला कमाल का है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ना मुंबई में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वहां के मतलब जो सबसे फेमस वड़ा पाव है ना वो ट्राई किया था, वो परले वड़ा पाव, गजानन वड़ा पाव, अशोक वड़ा पाव। भाई मेरे को ना काफी एक्सपीरियंस है वड़ा पाव का, बट अगर मैं इसका सीन बताऊं, ये वड़ा पाव तो नहीं है बट जो भी है मतलब वड़ा पाव की शेप में है, बट बढ़िया है, खाने में मजा आ रहा है। भाई देखो दिल्ली वालों की ना कोई भी लोकल क्यूजीन नहीं है, हम लोग ना इधर उधर से सब कुछ उठाते हैं और अपना नया फ्यूजन बना देते हैं और बस वो बढ़िया टेस्ट करता है, हम दिल्ली वालों को ये सीन है। बट रियली में यार आई एम मिसिंग द चटनी, चटनी मिल जाती ना ओए भाई मजा आ जाता है। भाई ये तो मैं पूरा ही खा गया ऑलमोस्ट। अब कौन मक्का वड़ा पाव का सीन चेक करो। ओ भाई बढ़िया स्वीट कॉर्न है यार इसके अंदर, और इसके अंदर ना इन्होंने मेयो डाली हुई है, मतलब वो सोया वाले वड़ा पाव के अंदर उन्होंने वो रेड वाली चटनी यूज की हुई थी और इसके अंदर मेयो है। भाई बर्गर ही बना दिया प्रॉपर। यार अब इसके अंदर आपने मेयो डाल दिया है, टमाटर प्याज भी डाल देते, प्रॉपर बर्गर ही बन जाता है। थोड़ा थोड़ा मसाला भी ट्राई करें इस पे डाल के। मेयो की वजह से ना बड़ा स्मूथ स्मूथ सा लग रहा है वड़ा पाव, मसाले की जरूरत है नहीं इस पे। पता नहीं यार मैंने इसकी क्यों ही बैट ले ली। ओ भाई मिर्ची का हिट हो रही है, अब यहाँ यहाँ से जल रहा है यार मेरा। भाई सर बताऊँ ये दोनों ही वड़ा पाव बहुत डिफरेंट लगे मुझे, अब इन दोनों में से बेटर कौन से है अब मैं क्या बताऊँ यार, मूड पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा मसालेदार वड़ा पाव खाना है तो ये चाप वाला ट्राई कर लो, कुछ सूदिंग वगैरह खाना है मिर्ची नहीं चाहिए तो ये सही है फिर। भाई ऑलमोस्ट दो वड़ा पाव खा के ना पेट तो मेरा भरा नहीं, बट मन सा कर रहा है यार और थोड़े नए वड़ा पाव ट्राई करने का, तो भाई बाहर चलते हैं। और नेक्स्ट वड़ा पाव मैं पता कौन सा ट्राई करने वाला हूँ, सेव क्रस्टेड वड़ा पाव। इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना भाई सुनने में, ऑर्डर करते हैं। ओ भाई क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये, तो पता है सीन क्या था, जो वड़ा है ना उसके ऊपर सेव कोटेड है, ये सीन है। और मुझे नहीं पता साथ में इन्होंने ये सब क्यों दिया है, भाई वड़ा पाव खा रहा हूँ मैं। ओहो बढ़िया ऊपर मिर्ची है, लुक एट दिस भाई अंदर रेड और ग्रीन वाली चटनी है। ओके आई कांट वेट टू डिग राइट इनटू इट। ओ डिफरेंट है भाई सही में, जो चटनी इसके अंदर इन्होंने डाली है ना वही चटनी साथ में सर्व भी की है, और ये देखना मिक्स करके की है भाई, ये अलग शशके है। थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देते हैं, ओके थोड़ी ज़्यादा हो गई, अब आना चाहिए बढ़िया वाला फ्लेवर। ओके
इमली का क्या पंच आ रहा है यार इसमें, और सेब के उधर से ना देयर इज अ क्रंच इन इट, बढ़िया है भाई। भाई साहब 375 के दो वड़ा पाव, वड़ा पाव वाली दीदी तो 50 रुपए की देती है। मेरे अकॉर्डिंग तो अब तक मेरी लाइफ का जो बेस्ट वड़ा पाव है ना वो अशोक वड़ा पाव था भाई। उसके अंदर वो जो भुजिया डालते हैं, ओहो लेजेंड बेस्ट यार, मज़ा आ गया था मुझे वो खा के। और बताए क्या, जब मैं अशोक वड़ा पाव का वड़ा पाव ट्राई कर रहा था तो वहाँ पे बड़ी बारिश हो रही थी, तो मैं कोई जगह ढूंढ रहा था अपनी गाड़ी से और पता नहीं मैं कौन सी गली में चला गया। जैसे ही मैं उस गली से बाहर निकला ना भाई साहब, सी था वहाँ पे भाई, एकदम अलग ही सीन ही बदल गया भाई। मज़ा आया था उस दिन, तो बहुत मेमोरेबल ट्रिप थी मेरी मुंबई की, लव्ड इट। लास्ट बाइट भाई, बहुत भर गया मैं यार। बस भाई ये मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई हेट चिलीज। तो नेक्स्ट वड़ा पाव तो मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना और लोगों को भी आज वड़ा पाव खिलाया जाए। देख लो तुम्हारा भाई आज स्ट्रीट दे रहा है। तो मुझे पास में ही एक स्टॉल दिखा जिसपे एक आंटी वड़ा पाव सेल कर रही थी, तो मैंने ना 500 वड़ा पाव ऑर्डर कर दिए। इतने सारे वड़ा पाव कैसे तैसे मैंने पैक किए एंड जो भी नीडी मुझे नजर आ रहे थे मैंने सबको वड़ा पाव खिलाया। देखो सच बताऊं इतना सारा खाना अरेंज करना इजी तो नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू बिनोमो जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। ये लो वड़ा पाव खाइए। ओके ये लो। इतना सारा खाना अरेंज करना इजी तो नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू बिनोमो कि ये सब पॉसिबल हो पाया। सबसे पहले बिनोमो की ऐप को इंस्टॉल कर लो और अपना अकाउंट बना लो, फिर आपको ट्रेडिंग चार्ट्स को एनालाइज करके फोरकास्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है या नीचे। अगर आपका फोरकास्ट सही हुआ तो आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। बिनोमो पे मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपीज है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2000 रुपीज से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट उतना ज्यादा प्रॉफिट, और आप ये पूरा प्रॉफिट बिना किसी कमीशन के विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलना। अब टाइम फॉर सम वड़ा पाव। चेक दिस आउट, ये है भाई पनीर मखनी वड़ा पाव, और इसके साथ ना मैंने चीज बस वड़ा पाव भी ऑर्डर किया है। आज तो भाई अलग ही शशके चल रहे हैं हमारे वड़ा पाव के मामले में। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने ना जो वड़ा होता है, ओहो भाई साहब पूरा इसके अंदर पनीर भरा हुआ है ये देखो, और बाहर आई गेस मखनी सॉस है। तो ये सीन है, नो रेड चटनी नो ग्रीन चटनी, सिर्फ मखनी सॉस। ओके लेट मी ट्राई इट भाई, पता नहीं मुझे लग रहा है कि ये अच्छा होगा। भाई ये अच्छा है। ओ नाइस भाई, मैं देखो मुंबई वालों को ये शायद ना पसंद आए, बट एकदम दिल्ली वाला ऑन पॉइंट फ्लेवर है भाई। भाई लुक एट दिस, क्या चीज भैर है भाई बाहर। ओके ट्राई करूं, इसके अंदर आलू है या नहीं? ओ नहीं भाई, ये देखना दिस इज पूरा चीज। चीज थोड़ा ज्यादा हो गया सही में, आई मीन नॉट बैड, मतलब बड़ा पाव नहीं लग रहा है मुझे। अब इसके अंदर थोड़ी वेजीज वगैरह भी डाल देते तो पिज्जा वाले फ्लेवर आ जाता। वैसे रात के लिए ना मैंने पिज्जा बड़ा पाव भी शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे आने वाला है, बट जितना अच्छा वो मखनी बड़ा पाव था ये उतना ये सीन है। सारा फ्लेवर तो मुझे मोज़रेला चीज़ का आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने जो चटनी होती है ग्रीन चटनी थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है, बाकी ऑल मोज़रेला चीज़। बस भाई लास्ट बाइट, पेट भर गया मेरा सच में। ठीक है अब घर चलते हैं, थोड़ी देर में सोऊंगा, फिर और वड़ा पाव ऑर्डर करेंगे। एक तो वो पिज्ज़ा वाला पक्का ऑर्डर होने वाला है और एक और डिफरेंट वड़ा पाव है, घर चल के बात करते हैं। एक बात बताओ, आपने कभी पेरी पेरी वड़ा पाव या फिर पिज्ज़ा वड़ा पाव खाया है? भाई ये पिज्ज़ा वड़ा पाव तो एकदम पिज्ज़ा वाले डब्बे में आया है, पता नहीं भाई इन्होंने मुझे क्या भेजा है। लेट मी ओपन इट, आई हैव नो आइडिया। ओ, ये तो कुछ वो KFC जैसा चीज़ा लग रहा है भाई। भाई साहब ऐसा तो मैंने कभी कुछ इमेजिन भी नहीं किया था यार। मैं सच बताऊं इन्होंने क्या किया है,
एक सेकेंड रुको तो, ये चेक करो भाई, ये चीज है और नीचे है भाई वड़ा। तो इन्होंने क्या किया, पाव लिया, अंदर कोई पिज्जा सॉस लगाई, उसके ऊपर वड़ा रखा, वेजीज डाली, फिर चीज डाला और फिर बेक कर दिया। ये सीन है। तो करें भाई इसका बॉन आपत्ति। भाई मैं क्या बोलूं, जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा था बहुत बेकार है सही में यार। आई डोंट थिंक मैं इसे पूरा भी खत्म कर पाऊंगा। बड़े अजीब अजीब से फ्लेवर आ रहे हैं यार, ना पिज्जा का फ्लेवर आ रहा है ना वड़ा पाव का फ्लेवर आ रहा है, ऐसा लग रहा है पराठे में कुछ आलू का पकौड़ा रैप करके खा रहा हूँ और जिसमें बहुत सारी सॉस डली हुई है। अब भाई ओरिगैनो दिया ही है तो थोड़ा डाल लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सही में। दिस इज दी पेरी पेरी वड़ा पाव भाई साहब, भर भर के पेरी पेरी मेयो डाली हुई है इसके अंदर। नॉर्मल वड़ा पाव है, बस रिप्लेसमेंट वो ग्रीन वाली चटनी की है विद पेरी पेरी वाली मेयो। तो ये सीन है एंड आई होप कि ये अच्छा हो, मतलब ठीक है, बेटर देन वड़ा पाव पिज्जा या पिज्जा वड़ा पाव जो भी है। बट ओ बापरे, मिर्ची लग गई यार मुझे तो, पसीने भी आने लग गए, सच बता रहा हूँ ये दोनों बहुत बेकार थे। वैसे अगर कोई मुंबई से वीडियो देख रहा है, क्या कहना चाहोगे इन वड़ा पाव के बारे में जो आज हम सुबह से खा रहे हैं? बस सर मत पकड़ना यार, देखो डिसलाइक भी मत करना, मेरी गलती नहीं है, ये चल रहा है बस यहाँ पे। बाकी भाई देखो मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत मजा आया, ठीक है, मुंबई की यादें ताजा हो गई आज तो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। ये वाला वड़ा पाव मत ट्राई करना भाई, बहुत मिर्ची है इसमें।